लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में आज होगी सुनवाई। आशीष मिश्र की कोर्ट में होगी पेशी। लखीमपुर के तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है आशीष। लखीमपुर खीरी हिंसा का आज महाराष्ट्र में हो रहा है विरोध। विरोध के चलते आज महाराष्ट्र बंद, सड़कों पर पुलिस अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 6 दिनों में 7 लोगों की हत्या, और हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने लिया बड़ा एक्शन। सुरक्षा बलों ने 700 लोगों को हिरासत में लिया। लखनऊ में किया जाएगा लोक भवन सभागार का कार्यक्रम का आयोजन। आयुष्मान कार्ड का वितरण करेंगे सीएम योगी। कोविड प्रबंध पर आईटीआई कानपुर में पुस्तक का करेंगे विमोचन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में आशीष मिश्र की पुलिस कस्टडी पर आज लखीमपुर खीरी कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल आशीष लखीमपुर के तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है और उसे बीती 8 अक्टूबर को पुलिस के सामने पेश होना था, मगर आशीष तय वक्त पर पुलिस के सामने नहीं पहुंचा था और पुलिस उसका इंतजार करती रही। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को लेकर यूपी सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और आखिरकार तमाम उठापटक के बाद आशीष मिश्रा 9 अक्टूबर को तय वक्त से पहले ही पूछताछ में शामिल होने के लिए पुलिस के सामने पेश हो गया था, जहां उनसे पूछताछ 10 घंटे तक की और ऐसे में सवाल जवाब 10 घंटे तक लगातार किए गए। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान कई सवालों के जवाब आशीष नहीं दे पाया था, जिसके बाद पुलिस ने देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया था। तो ऐसे में आशीष मिश्र लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है अब तक। हालांकि अब आज आशीष की एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होनी है और सवाल बड़ा ये है कि क्या आज आशीष को जमानत मिल जाएगी या फिर पुलिस और रिमांड मांगेगी आशीष की, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार अब शनिवार के दिन कई घंटे, लगभग 10 घंटे सवाल जवाब आशीष से किए गए और ऐसे में कई सवाल ऐसे थे जिनका आशीष जवाब नहीं दे पाया और उसके बाद देर रात को पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया था। और लगातार इस लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और ऐसे में आज जो है आशीष की कोर्ट में पेशी होनी है। अब कोर्ट में क्या कुछ होगा सुनवाई के दौरान, ये देखने वाली बात है और हर किसी की नज़र इसी पर बनी हुई है कि क्या आज आशीष को जमानत मिल जाएगी या पुलिस आशीष की रिमांड मांगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, जिस तरह से आशीष को आज सुनवाई होगी, इस पूरे मामले में कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कुछ और अपडेट है? पारुल, देखिए अभी कुछ देर बाद सुनवाई के लिए आशीष पहुंचेंगे और दूसरी बात यह है कि तमाम अटकलें लगाई इसी बात को लेकर थी कि गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, लेकिन जब सारे साक्ष्य पुलिस के समक्ष पेश किए गए तो कहीं ना कहीं को गिरफ्तार उसी वक्त कर लिया गया था। और जो 14 दिन के रिमांड है, यही बताया जा रहा है कि 14 दिन के रिमांड के लिए अभी उसे कस्टडी में रखा जाएगा, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार इसी बात को लेकर कह रही है कि जमानत बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। इस आज कांग्रेस ने यहाँ पे लखनऊ समेत तमाम उत्तर प्रदेश में कहा है कि मौन व्रत का वो पूरा पालन करेगी और कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा की जो जमानत है इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो परिवार है उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो अभी जो आशीष मिश्रा के जो डगर है वो बहुत ही मुश्किल जरूर होती जा रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद आशीष मिश्रा के हवाले से यही सूत्रों से खबर मिल रही है कि कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये कयास यही लगाया जा रहा है जो उनकी जमानत की अर्जी से निश्चित तौर पर खारिज हो सकती है। बिल्कुल रूबी, और जमानत खारिज हो सकती है ये बात आप कह रही हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रिमांड पुलिस मांगने की कोशिश करेगी और जमानत खारिज होगी तो रिमांड पुलिस को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, आशीष कहीं ना कहीं अपने आप जब वहां पर पहुंचे थे पुलिस के सामने, पुलिस लाइन में पहुंचे थे, सबूत कहीं सारे वो लेकर वहां पर पहुंचे थे, तो क्या उसको देखते हुए जमानत मिल सकती है? देखिए पारुल, आधा से ज्यादा पेनड्राइव लेके पहुंचे थे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर में और पेनड्राइव में वो सभी वीडियोस हैं जो उनकी मौजूदगी के साबित कर रहा था, लेकिन घटना के वक्त वो वहां पे मौजूद थे या नहीं थे, जो विजुअल और भी देखने को मिल रहे हैं उससे साफ दिखने को मिल रहा है कि आशीष मिश्रा मौके पे पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं
जो पूरा ड्रामा था, चाहे आशीष मिश्रा का हो या उनके पिता अजय मिश्रा का हो, उन्होंने एक तरीके से कहा भी था, मीडिया से भी कहा था कि मेरा बेटा दरी पर है और वो कहीं नहीं फरार हुआ है, घर पे ही मिलेगा, और थोड़ी देर के बाद पहुंचते हैं आशीष मिश्रा गिरफ्तारी के लिए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो रिमांड है वो बढ़ सकती है, और ऐसे में जो पुलिस का रुख है वो काफी सख्त नजर आ रहा है। बिल्कुल रूबी, और विपक्ष तो देखिए सरकार को इस पूरे मुद्दे पर लेकर घेर ही रहा है, और आज प्रियंका गांधी भी मौन उपवास रख रही हैं, क्यों बर्खास्तगी वो अजय मिश्रा की चाहती हैं, इसको लेकर ये मौन उपवास रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, सभी राज्यों में कहा गया कि अपने राजभवनों के बाहर खड़े होकर सुबह 10 बजे से लेकर लगभग 1 बजे के बीच में कांग्रेस के जितने भी नेता है और वो सब इकट्ठा हो और मौन रिक्वेस्ट रखें। तो सभी प्रदेश की इकाइयों में कहा गया कि वो अपने अपने कार्यक्रमों में नेता जितने भी है वो पहुंचे, कांग्रेस के जितने भी सांसद है, विधायक है, विभागों की जो भी भागीदारी, जो भी समर्थक है, उन सभी को कहा गया है कि आप लोग अपने मौन व्रत रखें, यानी कि ये जो आशीष मिश्रा प्रकरण है पूरे मामले में अपनी जो नाराजगी है वो मौन व्रत रख के दिखाएं। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो रहा है कि वही योगी सरकार की तरफ से भी पहले भी बयान आया था और अब बाद में भी गिरफ्तारी के बाद बयान आया था कि कोई भी निर्दोष होगा उसको बिल्कुल उसको छोड़ा नहीं जाएगा और जो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन परिवार को न्याय दिया जाएगा। विपक्ष ने भी पहले भी हमला किया था, तब जाके दबाव बना था, और अब जो जमानत की बात कही जा रही है वो बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। चलिए रूबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज लखीमपुर कोर्ट में आशीष मिश्रा की पेशी होगी और जमानत मिलेगी या फिर पुलिस रिमांड और ज़्यादा मांगेगी, पुलिस को रिमांड मिलेगी आशीष की, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये देखने वाली बात है। और थोड़ी देर बाद आशीष की अब कोर्ट में पेशी होने वाली है। महाराष्ट्र सरकार के तीनों गठबंधन दलों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने उत्तरी प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा घटना में मारे गए किसानों के समर्थन में आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। तीनों पार्टियां संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर घटना का विरोध करेंगी, और इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी, इनमें से 4 किसान थे, और मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र बंद के दौरान मुंबई पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सड़कों पर अपने कर्मियों की तैनाती भी बढ़ा देगी। पुलिस अफसरों का कहना है कि राज्य रिजर्व पुलिस बल की 3 कंपनियां होमगार्ड के 500 जवान और स्थानीय सशस्त्र इकाइयों के 400 जवानों को पहले से ही नवरात्रि के दौरान सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जनशक्ति के रूप में तैनात कर दिया गया है, लेकिन बंद को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिकतम जनशक्ति का उपयोग भी कर रही है। ऐसे में आज सड़कों पर पुलिस कर्मियों की संख्या और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 700 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि इन लोगों को 6 दिनों में कश्मीरी पंडित, सिख और मुस्लिम समुदाय के लोगों सहित 7 नागरिकों की हत्या के मामले में हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में करीब 500 ऐसे लोग हैं जिनके प्रतिबंधित धार्मिक और आतंकी संगठनों के साथ संदिग्ध संबंध बताए जा रहे हैं। ऐसे में जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई कश्मीर में लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए की है। ऐसे में सुरक्षा अधिकारियों मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद कट्टरपंथ में वृद्धि की वजह से हमले हो सकते हैं, और इसके साथ ही आतंकी आसान टारगेट को निशाना भी बना सकते हैं। इससे पहले रविवार को बता दें कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापा मारा गया था और द रेजिडेंस फ्रंट के 2 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। TRF को प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा समूह का मुखौटा संगठन भी माना जाता है। ऐसे में TRF ने कश्मीर घाटी में नागरिकों की लक्षित हत्याओं की जिम्मेदारी भी ली है। वहीं NIA के प्रवक्ता ने कहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से कुलगाम, श्रीनगर और बारामूला जिलों में 7 स्थानों पर की छापेमारी की गई है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज लोक भवन सभागार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड का वितरण करने वाले हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री कोविड प्रबंधन पर आईटीआई कानपुर में पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है ये कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही आपको बता दें कि कार्ड भी वितरित करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री कोविड प्रबंधन पर आईटीआई कानपुर में पुस्तक का विमोचन भी करने वाले हैं। ग्यारह अक्टूबर यानी कि आज बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उनका जन्मदिन उनके फैंस के लिए भी उतना ही खास होता है जितना उनके लिए। भारत और गुजरात के ऐतिहासिक विरासत शहर लोधल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पॉजिटिव लाइफ सोशल नेटवर्किंग कम्युनिटी विसामो किड्स फाउंडेशन और वाइब्रेट बिजकॉम लिमिटेड के निवेशकों और मीडिया मित्रों को बच्चन के जन्मदिन समारोह कार्यक्रम में विशेष तौर से आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान डुप्लीकेट बच्चन साहब भी मौजूद थे जिन्होंने सभी मेहमानों का को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आप भी देखिए वहां के लोगों में किस तरह से खुशी थी और उनका क्या कुछ कहना है। मेरा नाम मिलन शाह है, ठीक है। हम लोग ये बच्चन जी का जो विला का इनॉग्रेशन है वहाँ पे आए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा विला बनाया हुआ है। यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं, यू कैन चेक एंड एंजॉय द लाइफ। क्या आप बताएंगे प्लीज, इधर आएंगे आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चन विला पे आए, डॉन विला के नीचे खड़े हैं, राइट। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे डॉन जी अमिताभ बच्चन जी के पास अगर ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंचता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आए और हमारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताएं। ये वीडियो आप बताना चाहते हो लेकिन ये वीडियो जाने वाला है क्योंकि ये नेशनल चैनल से आप बात कर रहे हो, ये पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चन साहब ये वीडियो देखने वाले है। तो फिर तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बहुत से चाहक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कैसे भी करके वक्त निकालकर हमारे पास आइए और थोड़ा वक्त हमारे साथ बिताइए। गुजरात तो ऐसे ही पागल है बच्चन साहब के पीछे क्योंकि डॉन विला और ये शराबी विला कौन किसने बनाए पूरे देश में? किसी ने नहीं बनाए। फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है कि लोथल जहां पर ये विले बनाए गए हैं, तो काफी आप लोग फ्रेंड है ही उनके। जी राइट, आ जाइए प्लीज। आपका नाम बताएंगे, क्या क्या नाम है? मेरा नाम उमेश शुक्ला है। हम यही सोच रहे हैं कि बच्चन साहब इधर आए, हम वही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो आके इधर आए और हमको मजा आए और हम कसौर को भी सरप्राइज देना चाहते हैं कि वो अचानक आए और हमको बैठे साथ में। आपने कभी फेस टू फेस देखा है बच्चन साहब को? नहीं, कभी नहीं। देखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो हो जाए मैसेज छोड़ दीजिए। यस सर, आप आ जाइए जल्दी से जल्दी, हम आपकी वेट कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैसेज आपने ऐसा छोड़ा, यस सर आ जाइए, लेकिन कौन से सर को बुलाना चाहते हैं? अच्छा, अमिताभ बच्चन सर, आप जल्दी जल्दी इधर आ जाइए, हम आपकी वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। काफी सराहनीय बात की है, आप भी आ जाइए। ये जो जितने भी फ्रेंड है ना वो कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के माध्यम से, तो मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा सभी फ्रेंड लोग को क्या कहना चाहते हैं। नैनीताल के जौली कोट चौकी के अंतर्गत मटियाली गांव के मासूम बच्चे को अपना निवाला बनाने वाले खूंखार तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है। वहीं वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर रानीबाग सेंटर पर भेज दिया है। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में 2.5 साल के मासूम का शव बरामद हुआ था उसी के नजदीक पिंजरा भी लगाया गया था, जहां देर शाम तक एक तेंदुआ इसमें आकर फंस गया था। जानकारी के मुताबिक मटियाली गांव में रहने वाले नेपाली मूल के राणा परिवार के 2.5 साल के बच्चे को शाम के समय में तेंदुआ उठा कर ले गया था, जिसके बाद बच्चे का देर रात शव बरामद हुआ था। किच्छा में घर के काम निपटाने के बाद महिलाएं पहाड़ी अनाज मड़ुए से बिस्किट और केक तैयार कर अपनी आमदनी को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। दरअसल किच्छा तहसील क्षेत्र के शांतिपुरी गांव की महिलाओं की तरफ से राष्ट्रीय आजीवन मिशन के तहत जागृति महिला समूह बनाया गया है और समूह की 13 महिलाएं मिलकर एक बेकरी सेंटर को संचालित करती हैं, जिसमें वो डिमांड के अनुसार मड़ुए से बने बिस्किट और केक तैयार कर सप्लाई कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में अब तक वो 25,000 से 30,000 रुपये का बिजनेस कर चुकी हैं। महिला समूह की तरफ से किसान मेले में लगाए गए स्टॉल में मड़ुए का आटा, बिस्किट, केक, ड्राई केक और रेडी टू इट
ईट पकौड़ा मिक्सचर और उत्तराखंड के कल्चर पर आधारित एपेट आर्ट से बनी पूजा थाल, नेम प्लेट, पूजा चौकी, शगुन के लिए लिफाफे की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जो ग्राहकों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही थी। ये NRLM से जुड़े हुए हैं हम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन ब्लॉक के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। इसमें 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वैसे तो मेंबर 13 हैं, 13 जुड़े हुए हैं। अपनी सुविधा अनुसार महिलाएं अपने रोजगार, जो भी दिन भर की दिनचर्या होती है, उससे कुछ समय निकाल के हम लोग 1-2 घंटा अपने लिए निकालते हैं, जिससे कि हम स्वावलंबी भी बन सकें और आर्थिक रूप से भी हम महिलाओं को जो होता है छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो अपने हम इससे निकाल सकें। और हमारे जो उत्तराखंड में जो पलायन का एक मुद्दा काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो थोड़ा सा हम उसके लिए भी सहयोग कर सकें, तो हमने मेन बेसिक चीज़ अपनी मडवा लिया है। मडवे के जो ड्राई केक्स हैं, हम काफ़ी दिन से, मतलब हो गए हमें 3 साल से हम काम कर रहे हैं इस पे, मडवे के ड्राई केक्स पे, जो काफ़ी पसंद भी है जा रहा है। काफ़ी जगह इसको प्रोत्साहन के लिए हमें पुरस्कार भी दिए गए हैं मडवे के लिए। बहुत फ़ायदेमंद है ये, BP, कैलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, इस सभी चीज़ में काम करता है, क्योंकि हमने इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, हम इसमें गुड़ यूज़ करते हैं। गुड़ जो हेल्थ के लिए सभी को पता है अच्छा है, जो चीज़ें शुगर लेवल कम करने के लिए अवॉइड करते हैं शुगर को, तो वो ईजीली इसको ले सकते हैं। तो हम इस वाले सीजन में, अभी तो ये अक्टूबर से स्टार्ट ही हुआ है, 25,000 से ऊपर जा चुके हैं। नानक मत्ता में धान की बोली ना होने से नाराज किसानों ने मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल किसानों का कहना है कि कच्चे आढ़तियों की तरफ से मनमानी कर धान की कटौती की जा रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों की मांग है कि सरकार ने जो धान खरीद के लिए मानक रखे हैं, उसके अंतर्गत किसानों की धान खरीद की जाए, जिसको लेकर नानक मत्ता क्षेत्र के किसानों ने मंडी गेट पर जमकर हंगामा किया। वहीं काफी समय के किसानों और कच्चे आढ़तियों में सहमति बनी और फिर से दोबारा धान की बोली लगना शुरू भी हुआ। धान तोल यहाँ पर एक तरीके से शुरू हो चुकी थी, लेकिन बीच बीच में जो है कहीं ना कहीं राइस मिलर और जो है हमारे किसान भाई हैं, तो थोड़ी जैसे माल गीले आ रहे हैं, तो उन पर थोड़ी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि बारिश की वजह से माल जो है कहीं ना कहीं गीले हो जा रहे हैं, कहीं दागी हो जा रहे हैं। और राइस मिलर भी जो है कहीं ना कहीं वो चाह रहा था कि नहीं, मैं अच्छा माल लूं, जो हल्का माल है मैं ना लूं, तो इस पे जो है राइस मिलर को भी जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे किसान भाइयों के माल अगर कहीं ख़राब हो गए थोड़े, तो राइस मिलर को भी निभाना पड़ेगा। तो उसी पे लेके थोड़ा सा यहाँ पर कुछ विवाद हो गया था, लेकिन उस विवाद को जो है अभी हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा जो है खरीद शुरू हो जाएगी। और हम लोगों ने राइस मिलर से अभी बैठ के बात हुई है और उनको भी हम लोगों ने कहा है कि ये जो है किसान का धान जो है वो अगर अच्छा माल आ रहा है तो उसमें जो है आप कटौती नहीं करेंगे, ये जो है यहाँ पर अभी बात चल रही है और इस पर सहमति जो है अभी बन जाएगी, क्योंकि अच्छे माल जो है कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्कीम है गवर्नमेंट की कि हाँ धान ये खराब है, तो उस पे जो है जो भी जायज कटौती है वो होनी चाहिए, वो ज्यादा कटौती नहीं होनी चाहिए। उद्धम सिंह नगर के नानक मत्ता मंडी समिति के नव नियुक्त चेयरमैन बनाए जाने पर गुरदेव सिंह का भव्य स्वागत बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। बता दें नानक मत्ता बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुरदेव सिंह को नानक मत्ता मंडी समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिसके लिए गुरदेव सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुझे मंडी समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, उसे मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा और किसानों की धान फसल की अच्छे से तोल हो सके इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। मंडी का अध्यक्ष बनने पर मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। किसानों की समस्याओं का सरकार एवं किसानों के तालमेल द्वारा समाधान किया जाएगा, किसानों की हर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। पुनः शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं। किसानों के साथ बैठ के विचार विमर्श करके समस्या का हल किया जाएगा। लालकुआ रेलवे सुरक्षा बल के नव नियुक्त प्रभारी तरुण वर्मा ने पदभार संभाल लिया है। इस दौरान तरुण वर्मा ने कहा कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा उनके लिए पहली प्राथमिकता में रहेगी, साथ ही रेल की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे इसके भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे परिसर अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ उनकी तरफ से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले वो काशीपुर में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। बताते चले कि लालकुआ रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे सुरक्षा बल
कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना के साथ नव नियुक्त इंस्पेक्टर तरुण वर्मा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा में किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और रेलवे स्टेशन परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाएगी ताकि यात्रियों की सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता हो सके। और सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि भाई यहाँ की जो ट्रेनें हैं, ट्रेनों में यहाँ के लोकल यात्री और महिला बच्चे सुरक्षित यात्रा कर सकें। तो सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं को हुआ है कि यात्रा, इनकी यात्रा में सुरक्षित कर सकूँ, इसलिए मैं रेलवे पोस्ट काशीपुर से यहाँ बतौर निरीक्षक स्थानांतरित हुआ है मेरा। यहाँ की GRP और लोकल पुलिस के साथ समन्वय कर इस संबंध में सघन अभियान चेकिंग चलाया जाएगा। हाँ, मेरा सरकारी CUG नंबर 97-60-54-17-11 है। 24 घंटे ये उपलब्ध रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी को हो, इस पर फोन कर सकता है। बरेली के थाना बहेड़ी पुलिस को बीते दिन बहेड़ी थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर केस में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बहेड़ी पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस दोहरे हत्याकांड को मृतक राजेश की पुत्र वधु के भाई और उसके परिवार वालों ने साथ में मिलकर अंजाम दिया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक राजेश ने अपनी 30 बीघा जमीन अपने पुत्र वधु के नाम कर दी थी, लेकिन राजेश के घर वालों को ये पसंद नहीं आया, जिसके चलते जब राजेश के घर वालों ने राजेश को समझाया तो राजेश दोबारा अपनी जमीन अपने बेटे के नाम करने के लिए मान गया, जिसकी भनक जैसे ही राजेश के पुत्र वधू के घर वालों को लगी तो उन्होंने जमीन अपने हाथों से निकलने के डर से पहले राजेश और उसके दोस्त रोहिताश का गाड़ी से पीछा किया और फिर मौका देखकर उन्हें गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसके बाद राजेश और रोहिताश जमीन पर गिर गए और जैसे ही राजेश नीचे गिरा आरोपियों ने राजेश को गोली मार दी। वहीं गोली चलती देख राजेश का साथी गन्ने के खेत की ओर भागा तो आरोपियों ने उस पर भी गोली चला दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपियों ने बताया कि रोहिताश को मारने की वजह बस इतनी थी कि उसने आरोपियों की पहचान कर ली थी। फिलहाल मामले में सभी को जेल भेज दिया गया है और इस घटनाक्रम में और जो लोग शामिल हैं उनकी तलाश की जा रही है। थाना क्षेत्र में 26 तारीख को एक घटना, एक महिला का पर्स चुनौती का हुआ था, उसको पुलिस ने संज्ञान में लिया था। उस पर CIU और गंगनार थाना पुलिस ने लगातार प्रयास कर रहे थे। उसमें अभी जो है टोटल ये जो एक गैंग है जो पहले मोटरसाइकिल चोरियां करती थी, उसके बाद इनके द्वारा जो अन्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, तो ये जो कुल मिला के 10 गाड़ियाँ इनसे मिली हैं। 10 गाड़ियों में 5 जो हैं हमारे जनपद से ही चोरी की गई हैं, बाकी अन्य जनपदों से हैं। और जो महिला का पर्स इनके द्वारा जो छीना गया था उसमें जो नकदी थी और जो अन्य सामान था वो भी बरामद हुआ है। तो कुल 6 घटनाओं का इसमें आरोपण किया गया। बिजनौर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस से बेखौफ बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में अवैध तमंचे की बट से हमला कर व्यापारी को घायल कर दिया और उसके पास से 2,40,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक राजीव अग्रवाल शाम के समय अपनी दुकान बंद कर अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को रोककर उन पर अवैध तमंचे की बट से हमला कर दिया और उनके पास से 2,40,000 रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए। मामले में SP बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह का कहना है कि बदमाश जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल व्यापारी राजीव अग्रवाल जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। शहर के आहत व्यापारी राजीव अग्रवाल जो दुकान बंद करके अपने घर पर आ रहे थे, सिविल लाइन्स में सिंध पंजाब नेशनल बैंक के पास उनका घर है, वो घर में करीब पहुंच ही गए थे कि 3 बदमाश आए, उनके सर पर बट मार करके 2,40,000 रुपये छीन करके चले गए। बदमाशों की तलाश सक्रियता के साथ हो रही है, महत्वपूर्ण सुराग मिल गए हैं, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी, लूटा हुआ धन बरामद होगा, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। राजीव अग्रवाल की तबीयत ठीक है, डॉक्टर साहब से बात हो। इटावा के उर्सा हार्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेड़ पर प्रेमी प्रेमिका के शव
को फांसी के फंदे से लटका देख सब लोग हैरान हो गए। बता दें कि दोनों के शव एक ही दुपट्टे से लटके मिले। लड़का थाना उरसाहार क्षेत्र के भगवंतपुर गांव का निवासी था, जबकि लड़की मैनपुरी के थाना कोर्रा क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। तलाशी के दौरान दोनों के पास से मिले आधार कार्ड से दोनों की पहचान हो पाई है। फिलहाल मामले में पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना उरसाहार क्षेत्र के भगवंतपुर गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। बरेली के सुभाष नगर में खन्ना बिल्डिंग के पीछे रहने वाले विनोद अग्रवाल और बगैर सत्यापन किए किराएदार को घर में रखने की चूक कर बैठे। खुद को एक बार का मैनेजर बताकर किराए पर रहने आया युवक पूरे परिवार को नारियल पानी में बेहोशी की दवा देकर सारा सामान लूट कर फरार हो गया। वहीं गंभीर हालत की वजह से विनोद अग्रवाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। वहीं परिवार के मुताबिक कुछ दिन पहले युवक आया था और नवरात्र में कमरे में आने की बात कही थी। शाम को जब आरोपी दोबारा घर पहुंचा तो उसके साथ दो और लोग थे। वो अपने साथ में दो नारियल पानी लेकर आए थे और घर पे उस समय विनोद, उनकी पत्नी सीता देवी भी मौजूद थी और उनका एक बेटा भी था। उसे नवरात्र के बहाने तीनों को नारियल पानी पिला दिया, जिसके बाद वो सभी बेहोश हो गए। विनोद की पत्नी सीता की आंख खुली तो घर के सभी ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से नकदी और चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र भी जेवरात गायब थे। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने विनोद को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में थाना सुभाष नगर थाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। तो आपको बता दें, बरेली का पूरा मामला है, जहां पर किराएदार जो था उसने एक दवा पिलाकर नारियल के पानी में नशे की दवा मिला रखी थी, जिसको मकान मालिक को पिलाती, और ऐसे में जब तीनों लोग बेहोश हो गए तो पूरे घर में जो सामान रखा था किराएदार ने उस सभी सामान को लूटकर वहां से फरार हो गया। आपको बता दें कि मकान मालिक के मुताबिक किराएदार ने खुद को बार का मैनेजर बताया था और ऐसे में वो घर पर रहने के लिए पहुँचा था और कहा था कि नवरात्र में वो घर में शिफ्ट करेगा। लेकिन जब वो शाम को अपने घर पहुँचा किराए के कमरे में रहने के लिए, तो उसके साथ कुछ और लोग मौजूद थे और ऐसे में नवरात्र को लेकर उसने कहा कि नारियल पानी पीने के लिए, जिसे पीने के बाद सभी लोग बेहोशी में चले गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।